हेलो एवरीवन, दिस मी दीपक सिंह। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे। सो दिस इज़ माई आईडी दीपक सर यूपीएससी। टेलीग्राम आईडी है ये मेरी, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। लेक्चर्स रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं या जो भी लेक्चर्स रिलेटेड आपके लिंक्स हैं, ये सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर देखेंगे गेट सब्सक्राइब अन अकेडमी, दो कोर्सेज अन अकेडमी में गाइज, एक प्लस है एक आइकॉनिक है, ठीक है। तो जो प्लस कोर्स है, प्लस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कि आप इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ में यूपीएससी का अपना सपना सच कर सकते हो घर बैठकर फ्रॉम होम। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसमें 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ इतने कोर्सेज अवेलेबल है। दीज आर द डिटेल्स ऑफ द फीस। आप एडमिशन के टाइम में मेरा रेफरल कोड यूज करोगे दीपक1, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के साथ मैं आपको पर्सनली मेंटर करूंगा, ठीक है। मीन्स मेंटरशिप मैं आपको दूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीएससी। ये बेनिफिट्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्लियर है। फिर एक आइकॉनिक है। आइकॉनिक में अकेडमी की तरफ से कुछ बेनिफिट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर सेकेंड। यस, तो देखेंगे आइकॉनिक में आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, तो उस बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बेनिफिट क्या है बच्चों, कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो पर्सनल मेंटर अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है, ये आपको डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता है, ये आपको फीडबैक देता है। इन शॉर्ट आपके साथ में एक ऐसा पर्सन जो आपके हर एक टाइप के डाउट को क्लियर करता है। अगर आपने 12th पास किया है और आप यूपीएससी करने के लिए सोच रहे हो, तो इससे अच्छा प्लान आपके लिए कोई नहीं हो सकता। 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ तीन कोर्सेज अवेलेबल हैं। दीपक वन कोड यूज करें, यू विल गेट 10% डिस्काउंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शनल। ऑप्शनल हम सभी को मालूम है, मैं इसे ऑप्शनल ना बोल के गेम चेंजिंग बोलता हूं, इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट। 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 36 मंथ इतने कोर्सेज यहां पे भी अवेलेबल है। आपको यहां पे भी 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होता है बाय यूजिंग द कोड दीपक वन। कम से कम मेरी बात माने, अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया है, थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है, तो फिर आप कम से कम 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके रिवीजन जरूर करें, ठीक है। क्योंकि जीएस में तो ओवरऑल सभी के नंबर सेम आते हैं, बट एक ऑप्शनल है जो कि ये बताता है कि डर के आगे जीत है और हमारी रैंक कैसे डिसाइड होगी, उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प करता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज श्योर करें अपने सक्सेस को बाय सब्सक्राइब द ऑप्शनल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 27 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। हम सभी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। आज आपका कितना प्रेशर था आज के टेस्ट में मैंने देखा है। मुझे नियर अबाउट कुछ नहीं तो कम से कम 70 मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पे। मुझे मालूम है आप सब बहुत बहुत टेंशन में हो, तो टेंशन ना ले, अनअकैडमी इसीलिए हम लोगों को लेके आया है कि भाई आप लोग कम से कम उन बच्चे जो कि एफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक अच्छा एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराए, एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा हमें बोली जाती है और हम इस पर वर्क भी करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल के कॉम्बो भी लेना चाहते हैं आप, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, 1 ईयर के बैच स्टार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी बैच स्टार्ट है, बाइलिंगुअल बैचेस स्टार्ट है, प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी बैचेस स्टार्ट है। तो गेट सब्सक्राइब, डोंट बी लेट। और द नेक्स्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, कल संडे, और संडे को सुबह 11 बजे अकेडमी का इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जहां पे आप 4 करोड़ रुपीज के पूल से, ठीक है, अपना स्कॉलरशिप पा सकते हो। यहाँ पे आपको यूज करना है कोड दीपक1 फॉर द एनरोलमेंट। इसके लिए डिटेल्स आपको मेरी टेलीग्राम आईडी पे दीपक सर यूपीएससी पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अचीवर्स यूपीएससी सीएससी बैच लॉन्च हुआ है। 75 डेज में हम पूरा प्रीलिम्स आपको क्रैक कराएंगे, ठीक है। इसमें सिद्धार्थ सर क्वालिटी,
ब्योमकेश सर इकोनॉमिक्स, सौरभ सर करेंट अफेयर, सीसेट ले रहे हैं संजय सर, मैं ले रहा हूँ आपको एंसेंट मिडेबल, अनिरुद्ध सर ले रहे हैं ज्योग्राफी, प्रतीक नायक सर बिल टेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, और आपके राहुल सर ले रहे हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस बाय द देवराज सर। तो ये सभी फैकल्टी जो टॉप क्लास फैकल्टी है आपके अन अकेडमी और इस चैनल पर आप देखते ही हैं, हम सभी मिलकर 75 डेज में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराएंगे। मेरा तो सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, बाकी लोगों की भी सब्जेक्ट सून बिल स्टार्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बजा रहे हैं बात करने पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेंटिंग, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द पेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द बेस। अगर बच्चों हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हम पढ़कर क्या करेंगे, अगर कोरिलेशन नहीं है तो समझने में मुसीबत आएगी। तो मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आर्ट का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले आप बताएं आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा या पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ होगा। आई होप सो कि आपको मालूम हो, और मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसर्च किया है, सबसे पहले आर्किटेक्चर डेवलप हुआ फिर पेंटिंग डेवलप हुई। तो आर्किटेक्चर जो है बेसिक, बहुत ही बेसिक नीड है। ठीक है, पेंटिंग तो सेकेंडरी आता है। एक इंसान को पहले खाना चाहिए ना, कपड़े तो बाद में आ जाएंगे, पहले जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो पहले लोगों को रहने का ठिकाना चाहिए, तो उसके लिए आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, बाद में उस ठिकाने को सजाने के लिए पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो आर्किटेक्चर जो कि हमने अभी कवर किया है, ओवरऑल हमने पूरा आर्किटेक्चर कवर कर लिया है आपके मुगल्स तक। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आज जब मैं पेंटिंग की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री के एक बी कंसिडर्ड की एक हल्का सा मैं आपको एक सिनॉप्सिस दूंगा एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, दैट मेक द इजी टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिनॉप्सिस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। तो फर्स्ट वी नो कि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, बट द मेन हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक एज। तो जो मेन हिस्ट्री है बच्चों वो वैदिक एज से स्टार्ट होती है। अब यहां से चीजें चलती जाती हैं। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, फिर एंशिएंट हिस्ट्री का एक पीक टाइम आया। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हर एक समय में हर किसी का एक पीक टाइम होता है, और उस पीक टाइम के बाद उस चीज क्या होने लगती है, डाउनफॉल में आ जाती है, मतलब गिरने लगती है। तो दिस इज द मैप ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर यार ये कैसा मैप है, मैप ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, ये देखिए अब ये कैसा मैप है मैं आपको समझाता हूं। क्या बच्चों हम स्टोन एज से ले लेते हैं, क्या स्टोन एज में ह्यूमन सिविलाइज होने के बारे में सोच रहा था? बिल्कुल। फिर क्या हमारे यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आया? बिल्कुल। फिर हमारे यहां पे क्या आया, वैदिक सिविलाइजेशन आया, वैदिक कल्चर आया कि नहीं आया, वैदिक एज आया। वैदिक एज के बाद फिर हमारे यहां पे आया जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म बुद्धिज्म। ठीक है, फिर हमारे यहां आए मौर्य, फिर आए हमारे यहां पोस्ट मौर्य, और फिर हमारे यहां आया गुप्ता, और गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। ठीक है, और पोस्ट गुप्ता के बाद, ठीक है, एंशिएंट का पीक टाइम था पोस्ट गुप्ता के बाद, फिर आप देखोगे राजपूत। ठीक है, और यहीं पे एंशिएंट का एंड हो जाता है, एंड ऑफ एंशिएंट। अब आखिर में ये क्या कहना चाह रहा हूं, आप बोलोगे सर आपने तो बहुत नॉर्मल चीजें बस चैप्टर गिना दिए। बच्चों मैंने चैप्टर नहीं गिनाया है, ठीक है, मैंने आपको चैप्टर नहीं गिनाया है, आई एम हेयर टू गिव यू सम सिनॉप्सिस। क्या देखिए, क्या बच्चों एग्रीकल्चर नियोलिथिक या इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, लेकिन ये पूरी सिविलाइजेशन अपने आप में डिक्लाइन हो गई, तो कंटिन्यूअस हिस्ट्री के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर वैदिक एज आता है, वैदिक एज के दो पार्ट है, एक है आपका प्री वैदिक एज, एक है आपका पोस्ट वैदिक एज। तो क्या बच्चों जो पोस्ट वैदिक एज है
इसमें एग्रीकल्चर अपने पीक पॉइंट पे था, बिल्कुल था। अब ये बताओगे अगर एग्रीकल्चर अपने पीक पॉइंट पे होगा तो क्या यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा? ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा, टेल मी। बिल्कुल होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा तो अब किंग के अलावा कुछ और भी पावरफुल लोग आएंगे। विच पावरफुल पीपल्स? ट्रेड्समैन, क्राफ्टमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। क्या कैपिटलिज्म स्टार्टेड इन इंडिया? यस, बिकॉज आफ्टर द वैदिक एज द टाइम ऑफ द बुद्धिज्म इज कंसीडर द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द एंशियंट फेज। एंशियंट हिस्ट्री में सेकेंड अर्बनाइजेशन बुद्धिज्म को कहते हैं और फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो मतलब बुद्धिज्म के पहले बहुत कुछ डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन बुद्धिज्म में एग्रीकल्चर सरप्लस ने एक बार फिर से इतिहास में एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता को जन्म दे दिया। और इस सिविलाइजेशन को हम कहते हैं सेकेंड फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। तो क्या आप मुझे बताओगे कि जब अगर सिविलाइजेशन का सेकेंड फेज आएगा, मतलब अर्बनाइजेशन का सेकेंड फेज आएगा, अब अर्बनाइजेशन आएगी, एक सिविलाइजेशन डेवलप होगी, तो क्या इस अर्बनाइजेशन में कैपिटलिज्म अपने पीक पे होगा? टेल मी। अगर कैपिटलिज्म अपने पीक पे है तो हमें मालूम है कि कैपिटलिज्म में टैलेंट बेस होता है, ना कि कास्ट या फिर वर्ण। ठीक है, जब तक कैपिटलिज्म नहीं आया बुद्धिज्म में, उससे पहले वर्ण अपने पीक पॉइंट पे था, मींस ब्राह्मण सुपीरियर, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। लेकिन जैसे कैपिटलिज्म आ गया, टैलेंट बेस बन गया। अब जब टैलेंट बेस बन गया तो आज तुम अंबानी के पास जाओ और बोलो हम पांडे हैं, हमको नौकरी दे दो, अंबानी बहुत मारेगा, गिरा के मारेगा, घर में ऑफिस में जहां भी जाओगे गिरा के मारेगा। तुम भाई साहब कुछ भी हो, तुम ठाकुर हो, तुम पांडे हो, तुम तिवारी हो, तुम कोई भी उच्च जाति हो, ठीक है, तुम्हारी जाति से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट हो। If you have a degree from IIT and IIM, then जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट पीपल्स हैं, then they, ठीक है, कि भाई then they attract towards you, ठीक है, then they entertain you, but on your caste basis, capitalism कभी भी आपको entertain नहीं करेगा। तो क्या capitalism system ने वर्ण system को कमजोर करना शुरू किया? टैलेंट बेस हुआ, और टैलेंट किसके पास था? टैलेंट था वैश्य के पास, टैलेंट था सूत्र के पास। अच्छा, यही रीजन है सर कि जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज कर गया। यस, अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो जैनिज्म बुद्धिज्म राइज नहीं करता। ये आर्य शर्मा में खुल के लिखा हुआ, पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर है। इसे कहते हैं लिंक करके पढ़ना, तो ना मजा आएगा। ऐसे क्या पढ़ रहे हो, यू वेस्ट योर टाइम, लिंक करो मजा आ जाएगा। अब कैपिटलिज्म अपने पीक पे है, बुद्धिज्म जैनिज्म पीक पे। तो अब तक किंग होते थे क्षत्रिय, अब तक सुपीरियर होते थे ब्राह्मण, अब ऐसा नहीं देखा जाएगा। अरे भाई कैसे नहीं, अरे मौर्य में चलो, मौर्य डायनेस्टी में, और मौर्य डायनेस्टी में हम जाके देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये हम्बल बल थे, शूद्र थे। अरे ये भी किंग बन सकते हैं? यस, बिकॉज यही तो कैपिटलिज्म का कमाल है। ओके, मॉडर्न सॉल्जर, यस, अ लॉट ऑफ वेल्थ इन इंडिया, यस, अरे इतना पैसा है, अरे बचा के रखो, कोई आके लूट लेगा। अरे लूटने वाले आ गए, कौन? फॉरेनर्स, ग्रीकर्स अटैक ऑन इंडिया, साकाज, कुशांस, ठीक है, दे केम इंडिया, सिथियंस, पार्थियंस, दे केम इंडिया, दे अटैक ऑन इंडिया, दे प्लंडर इंडिया। अरे सही कह रहे, बेल थे तो ही तो ये आए। यस, अच्छा कोई बात नहीं है, लूटने दो। फिर आया हमारे यहां पे कौन? चंद्रगुप्त, सॉरी, हमारे यहां पे चंद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त आए, ये यही के थे, कैपिटलिज्म की वजह से ये आगे आए। लेकिन जब ये राइज करते हैं, तब तक जो कैपिटलिज्म को बार बार जीवन दे रहा था,
जो एक सोशियल एक फिनोमिना था बुद्धिज्म, वो फेल होने लगा, वो वीक होने लगा, क्योंकि महायान आने लगा। महायान की लैंग्वेज संस्कृत थी, संस्कृत तो ब्राह्मण की थी। अरे तुमने ब्राह्मण की लैंग्वेज को अपना लिया, अब तो ब्राह्मण तुम्हें नहीं जीने देंगे। ब्राह्मण पीक पे आ गए, मंदिर बनने लगे, टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता एज। ब्राह्मण एक बार फिर आ गए, जो लेटर वैदिक में आए थे, जिन्होंने वर्ण सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजिड किया था, वो फिर से लाइलाइज कर गए। अब गुप्ता एज में कैपिटलिज्म फ्लॉप होगा, अब यहां पे फिर स्टार्ट हो जाएगा फ्यूडलिज्म। एक बार इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा, और जैसे फ्यूडलिज्म आएगा, अरे बड़े बड़े एम्पायर छोटे छोटे भाग में बढ़ गए। अरे गुप्ता मतलब हर्षवर्धन केवल नॉर्थ में, साउथ में पुलकेशिन, और साउथ में चेरा चोला पांड्या। अरे ये क्या हो रहा है? अरे राजपूत आ गए, राजपूत अलग अलग, अजमेर में अलग, मेवाड़ में अलग, जयपुर में अलग, जोधपुर में अलग, दिल्ली के में अलग, थानेश्वर में अलग, कन्नौज में अलग। अरे ये तो पूरा भारत, जो एक बहुत बहुत बड़े सम्राट के अंदर, पूरा भारत एक सम्राट के अंदर में था, वो भारत छोटे छोटे भाग में बढ़ गया। इसका रीजन कौन है? इसका रीजन था फ्यूडलिज्म, और इसी फ्यूडलिज्म की वजह से इंडिया वीक हो गया। तो जरा मुझे बताओगे कि कौन सा टाइम पीरियड सबसे प्रॉस्पेर, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में था? टेल मी विच टाइम पीरियड इज मोस्ट प्रॉस्पेरस। बताओ भाई, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस कौन सा टाइम पीरियड था? गुप्ता। दैट्स व्हाई पेंटिंग किसके टाइम में अच्छी होंगी? गुप्ता। अरे कहां की पेंटिंग? अजंता और एलोरा। क्लियर हुआ? और गुप्ता के बाद की पेंटिंग्स में डेवलपमेंट होगा, बिकॉज विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, आपको पेंटिंग मतलब आपका पेट भूखा हो तो आप किसी तरीके से किसी पेंटिंग को देखकर आनंद ले सकते हो, नहीं ना, पेट भरा होना चाहिए तो पेंटिंग देखने में अच्छी लगती है, तो वो आपको तब दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग की शुरुआत गुप्ता से हुई। अरे भाई, पेंटिंग की जो शुरुआत है, ठीक है, वो तो हो गई थी आपके स्टोन एज से, भीमबेटका से, मेजोलिथिक पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से। मेजोलिथिक में बहुत ज्यादा पेंटिंग थी। आइए अब पूरी स्टोरी देखते हैं पेंटिंग की, और इसी पेंटिंग का हम मुगल्स पे क्या इंपैक्ट था वो भी देखेंगे। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट होल एंशिएंट एंड मेडिवल, ठीक है, किसके व्यू से? पेंटिंग के व्यू से। तो आई होप इतना समझ में आया, बताइए, टेल मी इतना समझ में आया। देखो मजा आना चाहिए, तो मजा है पढ़ने में, ठीक है, ये मतलब अप्रोच नहीं होगा तो मजा नहीं होगा, ठीक है, यस, अप्रोच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, अप्रोच होगा तो रटने की जरूरत थोड़ी ना है, कौन कहता है कोई चीज रटनी पड़ती है, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इंडियन पेंटिंग है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जो इंडियन पेंटिंग से वो साडंगास पे डेवलप हुई है। व्हाट इज साडंगास? रूप भेदा प्रमाणम भावलावण्य योजनम सदृश्यम सदृश्यम वंक भंगे इति चित्रम सदाकम। मतलब ये है कि एक जो पर्सन है जो वो पेंटिंग करने जा रहा है, उसे रूप भेदा मालूम होना चाहिए, द नॉलेज ऑफ दिस अपियरेंस। एक इंसान कैसा दिखता है, उसका अपियरेंस कैसा है। परमाणम, परमाणम मतलब क्या, ये वही इंसान की पेंटिंग है क्या? वह पेंटिंग वह चित्रकला हुबहू है? हुबहू कब होगी? जब आपका मेजरमेंट अच्छा होगा, जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो परमाणम मतलब अच्छा मेजरमेंट, अच्छे स्ट्रक्चर से उसको प्रमाण दे दो, प्रूफ कर दो कि हाँ ये तुम्हारी ही आर्ट है, तुम्हारी ही पेंटिंग है। भाव, किसी पेंटिंग में जान डालनी हो तो उसमें ये फीलिंग्स इमोशंस होने चाहिए, वो भाव होता है। लावण्य योजनम मतलब आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्यूजन सजावट, सादृश्यम बिल्कुल सेम टू सेम, वर्ण भंगम मतलब ब्रश और कलर का एक बहुत अच्छा यूज। क्या आज का भी पेंटर यही करता है?
बिल्कुल। और ये पेंटिंग क्या आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में लोग इसी तरीके से करते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बहुत पहले से वैदिक एज के टाइम में इन चीजों के बारे में लिखा गया है। कैन यू बिलीव दैट हाउ मच वी आर एडवांस्ड। ठीक है, तो ये खास बातें थी इन सिक्स लिम्स के बारे में। बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। और अगर आप गुप्ता के पहले पेंटिंग कहीं देखते हो तो एक ही टाइम पीरियड है बुद्धिज्म, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ द सेकेंड कैपिटल, सॉरी सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो पेंटिंग है, मैं आपको वो बेसिक बता दूं, पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री, म्यूरल पेंटिंग, मुराल पेंटिंग जिसे कहते हैं, उससे कवर है। और पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री मिनिएचर पेंटिंग से कवर है। लेकिन उसे हम मिनिएचर ना कह के मुगल कहते हैं। क्यों, आगे बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें अभी रहने दो बात के लिए, सब बता दूंगा तो अभी भाग जाओगे। ठीक है, ऐसे कैसे, समझना जरूरी है ना। तो बने रहे नेक्स्ट एपिसोड में, आज ही के दिन हम देखेंगे मुगल पेंटिंग, बट फर्स्ट वी हैव टू कवर द म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, तो म्यूरल आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली समझो, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीचर की बातों से क्वेश्चन बनता है, नोट से अगर बनता तो हर कोई टॉप कर लेता। एक टीचर की जरूरत आपको क्यों होती है, एनालिसिस वो करता है। अगर टीचर एनालिसिस के साथ नहीं पढ़ा है तो मतलब क्या, किताबें तो आप भी खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एनालिसिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, म्यूरल पेंटिंग क्या होती थी, एक दीवार होता था, उस दीवार पे, ठीक है, या तो उस दीवार को थोड़ा सा वेट कर देते थे या ड्राई वॉल पे ये लोग पेंटिंग बनाते थे। और उस पेंटिंग को, उस टेक्निक को फ्रेस्को बोलते थे, और उसी को बोला जाता था म्यूरल पेंटिंग। तो बेसिकली म्यूरल की डेफिनेशन है पेंटिंग ऑन द वॉल, और फ्रेस्को वॉज द टेक्निक। ठीक है, हाउ टू पेंट ऑन अ वॉल। तो आई थिंक यू आर मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन म्यूरल एंड फ्रेस्को। फ्रेस्को इज एन आर्ट, ठीक है, एंड म्यूरल द नेम, द नाउन, द नेम ऑफ द पेंटिंग, म्यूरल। ठीक है, एवरी पेंटिंग डायरेक्ट अप्लाई ऑन द वॉल इज म्यूरल, बट द मैथड ऑफ द अप्लाइंग इज फ्रेस्को। तो फ्रेस्को बेसिकली आर थ्री टाइप्स। ठीक है, तीन टाइप के फ्रेस्को हैं, ब्यून फ्रेस्को। अब ब्यून फ्रेस्को क्या है कि इसमें आप एक थिन लेयर, मतलब एक चट्टान होती थी, उस चट्टान को आप वेट करते थे। ठीक है, उसको सबसे पहले आप प्लास्टर करते थे लाइम मोर्टार से, फ्रेश वाटर से आप उसके ऊपर प्लास्टर करते हो। प्लास्टर करने के बाद जो प्लास्टर गीला होता है, वेट होता है, तब आप उसमें क्या करते हो, पिगमेंट्स को बैठाते हो, कलर्स को उसमें भरते हो, आर्ट करके उसे कहते ब्यून फ्रेस्को। मतलब आप एक चट्टान पे जाओ, उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाओ या लाइम वाटर लगाओ जो कि वेट हो, गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो कलर्स इजिली बैठा पाओगे। ठीक है, तो इसे कहते थे ब्यून फ्रेस्को। फिर आता है सेको पेंटिंग। अब सेको पेंटिंग क्या है, ये ड्राई प्लास्टर पे यूज होता था। ठीक है, अब अगर प्लास्टर नहीं है, सूखा है, वेट प्लास्टर नहीं है, सूखा हुआ, सूखी चट्टान पे बनाना है, तो यार तुमको कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको कलर को टिकाने के लिए। अब कलर को टिकाने के लिए क्या चाहिए, तो आप एग का यूज करोगे, ग्लू का यूज करोगे, ऑयल का यूज करोगे। तो एग का टेम्पर, ग्लू, ऑयल, बाइंडिंग मीडियम का यूज करके आप पिगमेंट्स को जब वॉल पे सजाते हो, दिस इज कंसीडर एज अ सेको पेंटिंग। और फिर नेक्स्ट है मेजो फ्रेस्को। मेजो फ्रेस्को जो था वो ड्राई पे तो होता था, बट हल्का सा वेट होता था, नॉट क्वाइट ड्राई। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, नॉट क्वाइट ड्राई। और इसके ऊपर आप पिगमेंट्स को हल्का हल्का सा चट्टान में छीप करके, हल्का सा आप उसमें नुकीली चीज से कुछ गड्ढा करके खुरचते हुए जिसे कहते हैं, और फिर उसमें कलर भर दो, तो इसे कहते हैं मेजो फ्रेस्को। तो आ गया तीनों समझ में, तीनों मेथड में से क्वेश्चन आ सकता है, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर है,
यस ठीक है, यस जी, आगे समझ में इतना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स यूज इन द पेंटिंग, अब इस पेंटिंग में मटेरियल कौन सा यूज हुआ? तो बेसिकली ये जो पेंटिंग्स थी ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन शिल्प शास्त्र में देखने को मिलता है ठीक है, यही इसका लिटरेरी सोर्स है कि पेंटिंग कैसी बनाई जाती है। तो पेंटिंग में रेड ओच ओकर ठीक है, धातु रंग, कुमकुम, सिंदूर ठीक है, हरितल ठीक है, ब्लू इंडिगो, लापिस लजूली ब्लू, लैम्प ब्लैक काजल जिसे कहते थे, चाक व्हाइट, खाड़ी मिट्टी, टेरा वाटे गेरुआ मिट्टी और ग्रीन कलर, इनके यूज होते थे। ये सभी कलर तो लोकली अवेलेबल थे, लेकिन जो ये लापिस लजूली था ना बच्चों, इसे लाया जाता था पाकिस्तान से ठीक है। तो लापिस लजूली केम फ्रॉम द पाकिस्तान एंड अदर कलर्स आर इजीली अवेलेबल इन द लोकल मार्केट ठीक है। अब इसके अलावा मिक्स्ड कलर का भी यूज हुआ है, ग्रे वर यूज्ड ऑन द रेयर ओकेजन, कहीं कहीं पर रेयरली ग्रे कलर का यूज हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि म्यूरल आर्ट में, फ्रेस्को पेंटिंग में क्या ग्रे कलर का यूज हुआ है, तो आप दिल खोल के बोलेंगे यस बट रेयरली। समटाइम यूपीएससी पुट अ क्वेश्चन ना, ग्रे वर यूज्ड रेयरली ठीक है इन म्यूरल पेंटिंग या फ्रेस्को टेक्निक, तो आपको मालूम होना चाहिए ठीक है। अच्छा, अब इन कलर को क्या ऐसे ही बना देते थे? नहीं, कलर को भरने के लिए थीम ठीक है और एटमॉस्फेयर को देखा जाता था कि उस समय का लोकल एटमॉस्फेयर क्या है और इमेज बनाने की थीम क्या है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप दिखा रहे हो रोमांटिक सीन, भर दिया काला रंग ठीक है, तो ये वाला गाना उस टाइम नहीं था, काले हैं तो क्या ये क्या हुआ दिल वाले, वो सब नहीं फेमस था ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, ये देखो ये भीमबेटका के लोग हैं, इस पेंटिंग से क्या सीखने को मिलता है ठीक है। हाँ, लापिस लजुली अफगानिस्तान से भी आता था ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन पेंटिंग जो था वो आपको कैमूर रेंज सेंट्रल इंडिया, विंध्याचल हिल्स ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो शुरुआती पेंटिंग थे उसमें वाइल्ड एनिमल, वॉर, प्रोसेशन, हंटिंग सीन, इनको दिखाया गया है ठीक है। ये सारी पेंटिंग क्रूडली थी बट मोस्ट रियलिस्टिकली ड्रॉन, मतलब खास बात देखो क्या थी, मतलब मजा आएगा आपको। इस टाइम की जो पेंटिंग है बेसिकली सबसे पहले अगर अर्लीस्ट पेंटिंग कहीं पाई गई बच्चों, तो वो कैमूर सेंट्रल इंडिया, विंध्याचल, भीमबेटका जिसे कह सकते हो, वहां पे पाई गई। यहां की पेंटिंग में वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया, जंगली जानवर, युद्ध करते हुए लोगों को दिखाया गया, प्रोसेशंस दिखाए गए, हंटिंग सीन दिखाए गए जो कि बहुत ज्यादा क्रूडली थे लेकिन काफी रियलिस्टिक थे, मानो कि सामने कोई पिक्चर चल रही हो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग क्या थी। तो याद रखेंगे जो अपर पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग थी वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब इस पेंटिंग में देखिए क्या ह्यूमन को मस्कुलर दिखाया गया, नहीं ना, लीनियर है, रेखाओं से लाइन से डिनोट किया गया है। लाइक मुझे लीनियर बनाना है तो मैं हमेशा लेक्चर में बनाता हूं, ये है हमारा राम भरोसे, ये क्या है, ये लीनियर हो गया। मींस आप किसी लाइन से एक किसी ह्यूमन या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पेंट में दर्शा दो ठीक है। और इस टाइम की जो पेंटिंग थी वो जनरली ग्रीन और डार्क रेड में मिलती है, ग्रीन और डार्क रेड में ठीक है। ह्यूज एनिमल फिगर्स, क्योंकि पैलियोलिथिक एज है, बड़े जानवर थे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पैलियोलिथिक एज है, बड़े जानवर है, इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट ठीक है। विशंस, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बोर्स ठीक है, ह्यूमन फिगर भी थे आसपास ठीक है, इनको भी दिखाया गया ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि इनको फिल किया जाता था जियोमेट्रिक पैटर्न से। तो एक शॉर्ट में रिवीजन कर लो, अपर पैलियोलिथिक की क्या खास बात है, पहला लीनियर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कलर ग्रीन और डार्क रेड, तीसरा ह्यूज एनिमल विथ ह्यूमंस,
और चौथा जियोमेट्रिक पैटर्न से फिल किया जाता था। बस यही इन्हीं पे क्वेश्चन आज तक आए हैं, ठीक है। ये 12-15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के बनाया गया सब, तो इन्हीं में से आए, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। अब आते हैं मेजोलिथिक टाइम पीरियड में। क्या बच्चों मेजोलिथिक में होमो सेपियंस आ गया था, बताइए? हाँ, अरे सर, इस समय का जो ह्यूमन था, मानव था, वो जो सोचने लगा था, वो सोचता हुआ मानव दुनिया के सब दुनिया का सबसे खतरनाक आविष्कार है, ठीक है। क्योंकि इंसान अब सोचने लगा, अब भेदभाव आने लगेगा, अब बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया है एंशिएंट में, अब बहुत कुछ चेंज होगा। आइए देखते हैं पेंटिंग में क्या चेंज हुआ। तो देखिए पेंटिंग में इन्होंने क्या चेंज किया, इस समय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग इसी टाइम बनाई गई, ठीक है। इनकी जो पेंटिंग की थीम्स थी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी और स्मॉल इन साइज थे, तो इस समय के जानवर भी छोटे हुए, इंसान भी छोटे हुए और पेंटिंग भी छोटी हो गई। और सबसे ज्यादा हंटिंग सीन दिखाए गए, मैक्सिमम हंटिंग सीन, और हंटिंग सीन ऐसे दिखाए गए कि आप विश्वास नहीं करोगे। इस समय डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था, तो ऐसे दिखाए गए कि एनिमल, मतलब इस समय के लोग एनिमल्स को पेंट करना बहुत पसंद करते थे। तो कुछ पेंटिंग ऐसी मिली है जिसमें कुछ आदमी कुत्ते को दौड़ा रहे हैं, फिर बाद में कुत्ता उन आदमियों को दौड़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा है एनिमल्स आर चेजिंग मैन, ठीक है, और इन अदर पेंटिंग्स दे आर बीइंग चेज्ड बाय द हंटेड बाय मैन, ठीक है। तो कई जगह तो जानवर इंसान को भगा रहा है, फिर इंसान जानवर, मतलब जानवर को भगा के मार रहा है, हंटिंग कर रहा है, तो ये बहुत देखी गई है। इसके अलावा यहाँ की जो एनिमल्स थे ये नेचुरल पेंट किए गए थे, नेचुरलिस्टिक इन स्टाइल थे, ठीक है, स्टाइलिश, बिल्कुल स्टाइलिश दिखाया गया था, क्योंकि अब इंसान सोचने लगा है। और क्या, ये जो विमेन्स थी ना, इनको पेंटेड दो बोथ न्यूड और क्लोथ, ठीक है, इन दोनों तरीके से पेंट किया गया, ठीक है। और क्या खास बात थी, कम्युनिटी डांस, चिल्ड्रंस कैसे भागते हुए, जंपिंग, कूदते हुए, खेलते हुए, ग्रुप डांस, इनको दिखाया गया। इन शॉर्ट कॉमन थीम थी, क्लियर है? तो आया समझ में? अब मेजोलिथिक को शॉर्ट में रिवाइज कर ले 2 मिनट में। तो मेजोलिथिक लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग आर हेयर, थीम डाइवर्स थी और पेंटिंग स्मॉलर होती थी, हंटिंग सीन और एनिमल्स बहुत ज्यादा दिखाए गए, ठीक है। और सबसे खास बात क्या थी कि यहां पर पेंटिंग नेचुरल स्टाइल में होती थी और विमेन्स को कई जगह न्यूड और कई जगह क्लॉथ में दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा चिल्ड्रंस को दौड़ते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए और खासकर कम्युनिटी डांस को शो किया गया है, लोग ग्रुप में डांस करते थे, मतलब ये शो कर रहा है कि अब लोग मिलनसार हो गए थे। ये पेंटिंग बताता है कि अब लोग मिलने जुलने लगे थे, अब कम्युनिटी फॉर्म होने लगी थी, ठीक है। आगे देखेंगे, चालकोलिथिक टाइम आया, एग्रीकल्चर वॉज देयर, सेटल्ड पीपल वॉज देयर, तो अब पेंटिंग पॉटरी पे होने लगी। देखिए देखिए, जगह मिलने लगा लोगों को, अब पॉटरी पे लोग पेंटिंग करेंगे, पॉटरी को सजाएंगे, ब्लैक वेयर, ठीक है, ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है, पेंटिंग आपको पॉलिश पॉटरी मिलेगी, ठीक है, मेटल टूल्स पे पेंटिंग शुरू हो जाएगी, ये सभी चीजें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अब लोग सेटल्ड हो गए, अब लाइफ में चेंज आ रहा है, अब लोगों को पेंट करने के लिए अलग अलग जगह मिलेगी, आगे भी बहुत जगह मिलेगी, हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विनय पिटक, ठीक है जी, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विनय पिटक, ये कहता है कि बहुत सारे पेंटिंग जो उस समय थी बुद्धिज्म के टाइम, वो रॉयल बिल्डिंग में मौजूद होती थी, मतलब रॉयल पैलेस महल में बनाए जाते थे। इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस नाम का आपने प्ले देखा है, इसमें भी बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिली। और कामसूत्र में 64 काइंड ऑफ आर्ट पेंटिंग के थ्रू दिखाए गए, जो बोलते हैं कि दिस आर्ट ऑन द बेस्ड ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तरम पुराण,
किसने बताया कि पेंटिंग हैव द सिक्स ऑर्गन्स, ठीक है, पेंटिंग के सिक्स ऑर्गन्स होते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, सिक्स लिम्स, ठीक है। उसके अलावा गौतम बुद्ध के जीवन की जो बर्थ रिबर्थ की कहानी जातक है, जातक को भी पेंट के थ्रू दिखाया गया, ठीक है। आइए उस समय के कुछ खास पेंटिंग के थीम्स देख लेते हैं। समटाइम यूपीएससी आस्क क्वेश्चन ऑन थीम्स, तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट थीम्स, देन डिटेल डिस्कशन अबाउट द अजंता एंड एलोरा, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द थीम्स, ठीक है। चलिए देखिए, अजंता पेंटिंग, इनकी थीम क्या थी? इनकी थीम थी जातक स्टोरी और इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा, मतलब पूरी की पूरी पेंटिंग बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर एलोरा पेंटिंग, एलोरा पेंटिंग सबसे पहले एलोरा में लॉर्ड विष्णु और केवल माता लक्ष्मी को दिखाया गया, लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव को दिखाया गया एज अ होली मैन, और अप्सराओं की फोटो बनी, और जातक टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट, मतलब देखिए हिंदुइज्म, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी माँ और लॉर्ड शिवा इनको दिखाया गया तो हिंदुइज्म, और जातक कहानी दिखाई गई तो बुद्धिज्म, और जैन टेक्स्ट को पेंटिंग से दिखाया गया तो जैनिज्म। तो क्या एलोरा में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का मिक्सअप मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन अजंता में ओनली बुद्धिज्म, क्लियर है। तो टॉलरेंस कहां पे देखने को मिल रहा है? एलोरा में, ठीक है। नेक्स्ट, बाघ पेंटिंग, बाघ की जो गुफाएं हैं उनकी पेंटिंग सेकुलर थी, ठीक है, एंड समटाइम रिलीजियस, ठीक है। इनकी पेंटिंग का जो मेन इंस्पिरेशन थे वो बुद्धिज्म थे, ठीक है, और पेंटिंग स्टाइल जो थी ये इन्फ्लुएंस थी अजंता से, ठीक है। तो बाघ पेंटिंग टोटली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, फ्रॉम अजंता, और सेकुलर और रिलीजियस था, बुद्धिज्म इनके मेन इंस्पिरेशन थे। फिर सितना उसाल पेंटिंग साउथ इंडिया, ठीक है, इनकी पेंटिंग फेस डक, पीपल कलेक्टिंग लोटसेस फ्रॉम अ पॉन्ड, टू डांसिंग फिगर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट one can also find inscription dating back to the 9th and 10th century. इनके टाइम में जैनिज्म मेन इंस्पिरेशन थे। कौन थे इंस्पिरेशन? जैनिज्म। बादामी पेंटिंग चालुक्य के टाइम डेवलप की गई, ठीक है, और इस समय वैष्णव धर्म अपने पीक पॉइंट पे था, तो भगवान विष्णु इनके मेन इंस्पिरेशन थे बादामी के। फिर पांड्या पेंटिंग, जैन टेक्स्ट, मतलब जैन टेक्स्ट और फीमेल फिगर्स आपको पांड पेंटिंग की बहुत फेमस दिखेंगी, ठीक है, तो ये खास पेंटिंग है। उसके बाद पल्लो पेंटिंग आती है बच्चों, पल्लो में आपको दिखेगा ब्यूटीफुल लोटस पॉन्ड, फ्लावर, डांसिंग फिगर्स, लिलीज, फिश, गीज, बफेलो, एलिफेंट्स, मतलब नेचर, ठीक है, नेचर एंड एनिमल पल्लो की खासियत थी। चोलाज मेन इंस्पिरेशन लॉर्ड शिवा, विजयनगर पेंटिंग, तो ये बताता है कि उस समय की लाइफ क्या थी विजयनगर की, विजयनगर के लोग का रहन सहन कैसा था, मतलब सोशियल इंफॉर्मेशन, मेन इंस्पिरेशन सोसाइटी विजयनगर पेंटिंग की। नायक पेंटिंग की क्या थी? तो नायक पेंटिंग जो थी उसमें स्टोरी ऑफ मुचुकुंडा, एक चोला के लीजेंडरी किंग थे, इनकी स्टोरी बनाई गई कहां पे? नायक में, ठीक है, ठीक, कुछ खास थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं डिटेल में बात करने अजंता के, बताऊंगा एक एक बताऊंगा, ठीक है, घबराए मत, एक एक बताऊंगा, नो नीड टू वरी, हर एक चीज को कंप्लीट करना है एनी हाउ, और अच्छे से करना है, ठीक है, हाँ, तो भागना घबराना नहीं है, मैं सब कराऊंगा, ठीक है। अब चलो अजंता की बात करते हैं। तो अजंता में बेसिकली जो था अजंता पेंटिंग, उसके दो ब्रॉड फेस थे, मतलब अजंता जो केव है वो दो पार्ट में डेवलप हुआ, जो अर्लीस्ट पार्ट था, ठीक है, उस टाइम के केव नंबर है 9 और 10, क्लियर है, और ये डेवलप हुआ था 2nd century BC के टाइम में, और इस समय या समझेंगे, इस समय जो पेंटिंग्स थी 9 और 10, मतलब 9 और 10 नंबर केव में,
वो सांची और भरहूत में जो स्कल्पचर थे ना मूर्तियां, उनकी पेंटिंग थी, जैसे साल भंज का, एलिफेंट, लोटस, जातक स्टोरी, इनको शो किया गया। सेकेंड फेज जो था इनका वो फिफ्थ टू सिक्स्थ सेंचुरी में डेवलप हुआ, ठीक है। अब जब ये फिफ्थ टू सिक्स्थ सेंचुरी में डेवलप हुआ तो उस समय वकाटका डायनेस्टी थी वहां पे, और उस समय केव नंबर 1, 2, 16 और 17 डेवलप किए गए। अब इस समय की जो मेन थीम थी वो क्या थी, जातक स्टोरी, डिफरेंट इंसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सोशल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि आप अगर कुछ शो कर सकते हो तो उसी को शो कर सकते हो जो कल्चर उस समय पीक पॉइंट पे होगा। मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ अ पेंटिंग, अगर आप रियल पेंटर हो तो आप अपने दिल से पूछोगे कि भाई तुम महसूस क्या करते हो, और तुम जो महसूस करते हो कल्चर। उस समय के पेंटर से बोला गया कि अच्छी कोई पेंटिंग बनाओ, तो उस समय बुद्धिज्म अपने पीक पॉइंट पे था, तो पेंटर्स ने बुद्ध को ही अपना इंस्पिरेशन माना। उन्होंने बुद्ध की स्टोरियां इतनी सुन रखी थी कि मानो उनको कभी कभी सपने में ऐसा आभास होता था कि भाई ये कहीं बुद्ध हमारे सामने तो नहीं है, ऐसा तक डिपिक्ट किया गया है कि भाई इस तरीके की पेंटिंग उस समय डेवलप की गई थी, ठीक है। दैट वाज वंस रिटन इन मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इस नाम की कहानी है कि पेंटर्स पेंट करने में इतने मग्न होते थे कि चित्र में साक्षात बुद्ध के दर्शन कई को हो गए, ठीक है। अब बताइए, अब बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, खैर यूपीएससी नहीं पूछेगा, अर्थात मैंने बता दिया, ठीक है, इंटरलिंक करने के लिए। नेक्स्ट, और क्या खास बात थी भैया, सीलिंग का डेकोरेशन बहुत फेमस था, ऊपर की छत सीलिंग, ठीक है, और सीलिंग को ये जियोमेट्रिकली सजाते थे अजंता में, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए, जो अजंता की पेंटिंग थी वो ट्रू फ्रेस्को नहीं है, उसको बाइंडिंग एजेंट मिलाकर बनाया गया है, मतलब कुछ ऐसे, देख रहे हैं, ये चट्टानों पे बनाए तो गए हैं लेकिन इनको चिपकाने के लिए नींबू का यूज हुआ है, ऑयल का यूज हुआ है, ठीक है, उससे इन पेंटिंग्स के कलर को चिपकाया गया है। तो अगर आप पेंटिंग कर रहे हो मुराल पेंटिंग, और आप फ्रेस्को टेक्निक यूज कर रहे हो, और फिर आप उसको चिपकाने के लिए कलर्स को आप किसी बाइंडिंग एजेंट का यूज कर रहे हो लाइक फेविकोल, तो फिर आप गलत कर रहे हो। आपने ग्लू का यूज किया, ऑयल का यूज किया, नींबू का यूज किया, लेमन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह पेंटिंग ट्रू फ्रेस्को नहीं है, ठीक है। ट्रू फ्रेस्को पेंटिंग जो होती थी वो विदाउट बाइंडिंग एजेंट थोड़े से वेट सरफेस पे बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि इन पेंटिंग की खास बात क्या थी, सेंट्रलिटी बहुत फेमस थी। सेंट्रलिटी मतलब मानो पांच लोग बैठे हैं लेकिन जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है ना वो आपको अलग अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी पेंटिंग है, अ डाइम प्रिंसेस, ये पेंटिंग आपको दिख रही है, इस पेंटिंग में आपको सब कोई दिख रहा है, एक ये दिख रही होगी, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, लेकिन ये मतलब सभी का ध्यान इसकी तरफ है, ये डाइंग प्रिंसेस है। इसकी कहानी है, बहुत अलग टाइप की कहानी है, आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है, ठीक है। इनके पति थे, छोड़ दिए थे, ग्रह त्याग में उनकी मोहब्बत में तड़प रही थी डाइंग प्रिंसेस, ठीक है। तो ये डाइंग प्रिंसेस की स्टोरी अपने आप में बहुत खूब है। तो आप बताइए क्या इसका सेंट्रलिटी मेन फोकस है, पेंटिंग में कई लोग हैं लेकिन बीच में जो इंसान है सेंट्रलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। चलो हाँ आओ देखो, पेंटर्स ऑफ अजंता हैड रियलाइज्ड द ट्रू ग्लोरी ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की ट्रू ग्लोरी इनको मालूम थी, ठीक है, इसीलिए इन्होंने उस चीज को काफी अच्छे से शो किया, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में, मतलब बुद्धा को, बुद्ध की कहानी को ह्यूमन लाइफ में उभार कर रख दिया। आप बताओ कि अगर, मतलब एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर पेंटिंग का इजाद नहीं हुआ होता तो क्या महायान बुद्धिज्म पीक पॉइंट पे होता, टेल मी,
कैन बी से महायान बुद्धिज्म एट इट्स पीक पॉइंट, अगर पेंटिंग नहीं होती तो। क्योंकि महायान की खास बात क्या थी, गौतम बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में शो करना। और स्कल्पचर आप कितने बनाओगे, स्कल्पचर के लिए मटेरियल कुछ ही जगह मिलता था, बट पेंटिंग का मटेरियल बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब बुद्धा को ह्यूमन लाइफ में इतना अच्छा दिखाया पेंटर्स ने कि इन्होंने महायान बुद्धिज्म में जान डाल दी, और तभी तो महायान बुद्धिज्म अजंता एलोरा के बाद अपने पीक पॉइंट पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो अर्लिएस्ट पेंटिंग है अजंता की, केव नंबर 9 और 10 की, उसमें एक सर्वाइव कर रही है अभी भी वो है, वो केव नंबर 10 के लेफ्ट वॉल पे है। ठीक है, एनदर सर्वाइविंग पेंटिंग जो अजंता की है, ठीक है, वो सिद्धांत जातका कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन से, उसके बारे में है। ठीक है, ये भी केव नंबर 10 के राइट वॉल पे है। ये दोनों पेंटिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी की है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पे मैंने आपको बता ही दिया केव नंबर 16 में, नोट कर लो, ये देखो लिखा है डाइंग प्रिंसेस इन केव नंबर 16, ठीक है, पेंटेड इन द अर्ली ऑफ द 5th century AD। क्लियर है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी उस समय। उसके अलावा महाजन जातका, ठीक है, महाजनक जातक केव नंबर 1 में जो है, ये 6th to 7th century AD में बनाई गई थी, ये भी अभी तक सरवाइव कर रही है, अपने आप में खास पेंटिंग है। ठीक है, ये भी गौतम बुद्ध की एक जन्म महाजनक की स्टोरी है। ठीक है, यस। फिर बोधिसत्व पदम पाणी, केव नंबर 1 में आपको गौतम बोधिसत्व पदम पाणी दिखेंगे। पदम पाणी मतलब उनके हाथ में कमल है, तो हाथों में कमल का पोस्टर पदम पाणी है। इनके अगल बगल कई लोग हैं लेकिन सेंट्रैलिटी यही है, यही तो अजंता की खास बात थी। अब आते हैं एलोरा केव्स पे। अब एलोरा केव्स में हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, तो बहुत ज्यादा पेंटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, पेंटिंग की एक ही दो खास बात थी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इन्होंने आर्किटेक्चर पे बहुत ध्यान दिया, जिनमें सबसे फेमस है कैलाशनाथ टेम्पल, इस समय की बहुत फेमस आर्किटेक्चर है। और इस समय के जो एलोरा के वॉल पेंटिंग थे उसमें सेंटिटी पाव गया, मतलब पवित्र, होली, मतलब देवी देवता बनाए गए, होली। ठीक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन टेम्पल्स, इन सब में पेंटिंग बनाई जाएगी लेकिन कोई खास पेंटिंग नहीं होगी। इस समय की पेंटिंग की कुछ खास बात थी जो मैं आपको बता देता हूँ। वो खास बात क्या थी, आप थोड़ा ध्यान में देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, जहां से क्वेश्चन आएगा, बस यही है कि इस समय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पेंटिंग की, वो ये थी कि शार्प ट्विस्ट हेड, पेंटेड एंगुलर बेंड्स ऑफ द आर्म्स, द कॉन्केव कर्व, द क्लोज लिम्ब्स, द शार्प प्रोजेक्टेड नोज, लॉन्ग ड्रॉन ओपन आईज, विच कैन वेरी वेल बी कंसिडर एज द मेडिवल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पेंटिंग। मतलब ऐसी पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में आपको दिख रहा है, इस पेंटिंग में आपको इंसान दिख रहे हैं, उनकी नाक बड़ी दिख रही है, उनके बॉडी के कर्व्स दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, हाथ में कर्व्स दिख रहे हैं, बेंड हाथ, कोई हाथ जोड़े हुए, कुछ सर पे रखे हुए। ये इस समय की पेंटिंग की खास बात थी। तो यहां से एक बार क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुगल पेंटिंग की। तो यहाँ पे पेंटिंग एंशियंट की जो है, ये म्यूरल पेंटिंग अपना पीक पॉइंट था अजंता एलोरा। ठीक है, खासकर अजंता की पेंटिंग, सभी ने बाकी आर्किटेक्चर पे फोकस किया। फिर जब मुगल्स आए तो उन्होंने पेंटिंग में जान डाल दी, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत था तो इस्लाम इतनी प्रॉस्पेरिटी थी नहीं कि वो पेंटिंग में समय बर्बाद करे, वो आर्किटेक्चर में किया। फिर पेंटिंग आपको फिर से मुगल टाइम में दिखेगी। अब बच्चों, ये जो मुगल पेंटिंग है ना, ये है तो मिनिएचर पेंटिंग, लेकिन आप बोलोगे सर तो इसको मुगल पेंटिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग जो है ना बच्चों, मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, ये शॉर्ट पेंटिंग होती थी, मतलब बहुत ही छोटी, 1/6 साइज में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के 6/6 भाग के एक भाग में ये बनाई जाती थी। ये नैरेटिव पेंटिंग होती थी, ये कहानियां बताती थी,
आपने कॉमिक्स पढ़ी है, कॉमिक्स में एक ही जगह कई स्टोरी आ जाती है, ऐसा होता है मिनिएचर पेंटिंग। लेकिन ये मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनली पर्सियन है, लेकिन इंडिया में जो मुगल टाइम में पेंटिंग डेवलप हुई वो थी तो मिनिएचर पेंटिंग, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंस डाला गया हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। दैट्स वाई ये मिनिएचर जब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में आई तो फिर बोली गई मुगल पेंटिंग, तब इसको क्या बोला गया, मुगल पेंटिंग। क्लियर है? यस। अब चलिए आगे देखते कि इसकी खास बात क्या है। दिस पेंटिंग इवॉल्व ड्यूरिंग द रूल ऑफ वेरियस मुगल एम्परर, बहुत सारे मुगल एम्परर तो उनके टाइम में आया। इनकी पेंटिंग में बैटल्स, लीजेंड की स्टोरी, हंटिंग सीन, वाइल्ड लाइफ, रॉयल लाइफ, माइथोलॉजी इनका यूज किया गया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है टू नैरेट द टॉल टेल्स ऑफ द मुगल एम्परर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या खास बात है? इसकी और खास बात यह है कि इसका जो मतलब ओरिजिन हुआ था बेसिकली वो मुगल के टाइम पीरियड में ही हुआ था। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत में इसका बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा। और क्या खास बात है कि इस समय के फेमस पेंटर्स पर्सियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली और अब्द अल समद ने इस पेंटिंग मतलब मिनिएचर पेंटिंग की टेक्निक को इंडिया में लेकर आए, ठीक है, हुमायूं के इंस्ट्रक्शन पे। तो जरा आप स्टोरी बताइए, क्या जब शेरशाह सूरी ने, देखो हर एक चीज के पीछे एक लिंक होता है, ठीक है। हाँ, शेरशाह सूरी का नाम सुना है आपने, शेरशाह सूरी, ठीक है। देखो हर एक चीज के पीछे कहानी होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया? तो हुमायूं को डिफीट किया तो हुमायूं ने अपनी बेगम को एक राजपूत रूलर क्या छोड़ के राजा भार में, वहीं पे अकबर का जन्म हुआ। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं थे कहां पे, पर्सिया में, और पर्सिया में हुमायूं हेल्प मांग रहे थे पर्सियन किंग से, ईरान के किंग से, और पर्सिया जो कि पुराना पूरा सिया कम्युनिटी था। तो जब हुमायूं वहां थे और जब हुमायूं वहां से लौटे, उन्होंने बाद में डिफीट किया, ठीक है, भतीजे थे एक हिसाब से शेरशाह सूरी के, उनको जब डिफीट किया और दिल्ली में जाकर फिर से अपनी राजगद्दी बनाई आगरा में, तो ये अपने साथ कुछ पर्सियन पेंटर लेकर आए और यहीं से पर्सियन पेंटिंग आर्ट इंडिया में आया। अगर शेरशाह सूरी नहीं होता तो कोई ना गया होता, हुमायूं ना गए होते पर्सिया, और ना हमें मिले होते मीर सैयद और अब्द अल समद, ठीक है। देखिए एग्जाइल मतलब जब हुमायूं एग्जाइल में थे तब सॉरी देखेंगे। अब देखिए, अब हुमायूं के इंस्ट्रक्शन में जो ये पर्सियन आर्टिस्ट थे, इन्होंने बहुत सी फेमस पेंटिंग बनाई, जिनमें सबसे फेमस पेंटिंग है खम्स ऑफ निजामी। क्लियर है? खम्स ऑफ निजामी बिकम मोर इंपॉर्टेंट पेंटिंग, ठीक है, और यहीं से मुगल पेंटिंग जो है वो डेवलप हो गई। और इसके बाद जो आगे किंग आए उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग को बनवाया। देखिए मिनिएचर पेंटिंग है, साइज में बहुत छोटी है, बट ये क्या शो कर रही है कि किंग किसी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, आगे दरबार लगा हुआ है, ठीक है, द्वारपाल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और देखेंगे फिर आए अकबर, क्योंकि हुमायूं ज्यादा दिन टिके नहीं, एक साल में हुमायूं ने जो शहर बनाया था ना दीनपनाह, वहां उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी, अचानक अजान हो गया। अब ये लाइब्रेरी में मस्त थे किताब पढ़ने में, तो नमाज अदा करने के लिए भागे। जब नमाज अदा करने के लिए भागे तो उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए, और गिर गए तो इनकी डेथ हो गई। अब जब इनकी डेथ हो गई तो फिर आए इनके बेटे महान, ठीक है, जिले लाही अकबर पहुंचे। अकबर ने बोला कि हमें भी खूब पेंटिंग पसंद है। बोले कौन सी? तो बोले हमने बचपन में ना तोते की कहानी सुनी है, टेल्स ऑफ पैरट, मतलब तूती नामा, बोलने वाला पैरट, ठीक है, इनकी कहानी सुनी है। अब ये भी गजब आदमी था, वे कहानी सुने तो ठीक है ना यार, क्यों पेंटर को परेशान करना। इन्होंने बुलवाया पेंटर से, अब पेंटर को बुलवा के बोला
कि तूती नामा जो है ना, इसको 52 पार्ट में डिवाइड करो और इसको समझाने के लिए 250 मिनिएचर पेंटिंग बनाएगी, ठीक है। और इस काम को पूरा किया अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने, क्लियर है। 5 साल में तूती नामा स्टोरी को पेंटिंग के माध्यम से नैरेट किया गया। अब आप समझ सकते हो किंग के पास कितना टाइम होता था, कितना फालतू काम होता था, क्लियर है। बचपन में सुनी थी, अच्छी लगी तो पहले कहानी को बांटा, फिर पेंटिंग बांटी गई, फिर जो बेचारे हुमायूं के साथ आए थे इनको मालूम नहीं था ये भारत है या धो धो के मारते हैं, तो भाई वही हुआ। ये वहां थे तो हल्की फुल्की पेंटिंग बनाते थे और ईरानी किंग से खूब पाया करते थे। यहाँ पे इसने बोला भैया पूरी कहानी हमें चाहिए, मैं बचपन वाली कहानी ना, और हमें सुनने मजा नहीं आता, हम देख देख के समझेंगे, बनाओ। आप नहीं बनाओ तो गला काट देगा, बनाओ। फिर बनाया, 5 साल लगा बनाया, ठीक है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के ओहियो के म्यूजियम में रखी हुई है, क्लीवलैंड म्यूजियम है, ठीक है, वहां पे ये रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट कमीशन बाई अकबर वॉज हमजनामा, ठीक है। और सेकेंड जो है इस समय अकबर की वो है बच्चों हमजनामा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड जी, हाँ जी, जी देखिए नेक्स्ट बच्चों हमजनामा, ठीक है। अब हमजनामा जो था वो एक लीजेंड थे आमिर हमजा, उनकी कहानी थी। अब इस पे भी इन्होंने बोला पेंटिंग बनाओ, ये भी कहानी इन्होंने चाइल्डहुड में सुनी थी बचपन में, इसकी भी कहानी बनाएगी। और 1400 मुगल पेंटिंग, ठीक है, कन्वर्ट की गई। ये मिनिएचर नहीं थे, मिनिएचर से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन 1400 मुगल पेंटिंग बनाई गई केवल आमिर हमजा की कहानी को दर्शाने के लिए जो अकबर ने बचपन में सुनी थी, ठीक है, क्लियर है। इनके समय में 30 प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो कि मीर सैयद अली, ठीक है, के अंडर में थे। बाद में मीर सैयद अली रिप्लेस बाय द अब्दुल समद। ये देखिए हमजनामा की स्टोरी है कि कैसे लड़ रहे थे, क्या है ये, खास प्रकार की मिनिएचर है, ये भी देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अदर फेमस पेंटिंग जो अकबर ने बनवाई थी, गुलिस्तान, दरबनामा, ठीक है, ठीक है, हाँ अच्छा वो पढ़े हुए नहीं तो क्या क्या बनवा देते, खम्स ऑफ निजामी, बहरिस्तान, गुलिस्तान, सादी सिराजी, ठीक है, ये सभी बनाएगी, जो मास्टरपीस थी जो फतेहपुर सीकरी में लगवाई गई थी, ठीक है। और अकबर ने 100 ऑफ द पेंटर्स को हायर किया था, अपने दरबार में रखा था। फिर अकबर तो चले गए, अब इनके बेटे आए जहांगीर। ये भी आदमी कम शौकीन थोड़ी ना था, ये भी खूब शौकीन था, बोला जैसे बाप वैसे बेटा। इसने भी बुलवाए पेंटर, बोले आओ आओ आओ, आओ लाइन में लगो। तो बोले क्या बताइए, तो बोले आप देखो तुम पेंटिंग तो करोगे लेकिन ये बहुत हुआ आप ये सब कहानी आनी, मेरे बाप पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को ना ये ना पागलपंती नहीं चाहिए, मेरे को भाई साहब, ठीक है, एक खास चीज करना है, ठीक है, क्लियर है, एक खास चीजों से समझाना है। तो बोले क्या, तो बोले चलो बताते हैं। तो अब खास कैसे, बोले पोर्ट्रेट करो, किंग की पोर्ट्रेट इमेज बनाओ, किंग क्वींस की, मतलब समझ लो, देखो कैसे आर्ट डेवलप हुआ। अब मिनिएचर से पोर्ट्रेट स्टार्ट हो गया, अब किंग और क्वीन की पोर्ट्रेट बनाई जाने लगी, ठीक है, समझ रहे हो। और बोला गया कि बनाओ, अब लोगों ने बनवाना शुरू किया, कभी जहांगीर की फोटो बन रही है, कभी इनकी मोहब्बत की फोटो बन रही है, बस यही चल रहा है, ठीक है, पूरे सिस्टम में। लेकिन एक खास चीज इन्होंने कर दी जो जहांगीर को इतिहास में अमर कर गया पेंटिंग के नाम पे, वो थी जहांगीर नामा। जहांगीर नामा जो ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की, इसमें बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई, ठीक है, जिनमें अनयूजुअल थीम थी, जैसे स्पाइडर्स लड़ रहे हैं इनको शो किया गया, फाइट्स बिटवीन स्पाइडर्स इसको शो किया गया। इसके अलावा इंडिविजुअल पोर्ट्रेट जहांगीर की बनी, ठीक है, जिनको पेंटर्स ने बनाया,
इन सभी ने मिलकर बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर, ठीक है, इन सभी की फोटो बनाई गई और ये समय की सबसे खास चीज थी। क्लियर है? तो पोर्ट्रेट, बर्ड, एनिमल, फ्लावर की पेंटिंग, ये इस समय की सबसे खास बात थी जहांगीर के समय की। अब जहांगीर के समय के जो फेमस पेंटर थे उनके नाम देख लीजिए, ठीक है, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बीसन दास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, जैसे मैं लग रहा किसी गांव में बैठा हूं और लोगों का नाम नोट कर रहा हूं, मुखलिस, भीम, इनायत, ये सब फेमस पेंटर थे जहांगीर के टाइम के। अब दो के बारे में जानना जरूरी है, एक ही उस्ताद मंसूर, ये कोर्ट आर्टिस्ट थे जहांगीर के, ठीक है, इनका सबसे खास काम था ये प्लांट्स और एनिमल को ऐसा दर्शाते थे मानो जाना जाएगी, ठीक है। और ये दो पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, एक साइबेरियन क्रेन और एक बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। ही इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड फॉर द फेमस पेंटिंग ऑन डोडो, ठीक है, जो एक बर्ड थी, एक्सटिंक्ट बर्ड, इसके बारे में मतलब इसको इन्होंने बहुत अच्छा डिपिक्ट किया था। फिर आते हैं बीसन दास, ठीक है, क्लियर है, ये लोग नहीं आ सकते, नॉर्मल याद रखेंगे बीसन, ये पीसीएस के लिए फेम, मतलब पीसीएस ऐसे सिली क्वेश्चन पूछता है, अब देखो यूपीएससी दोगे तो साथ में पीएससी भी तो दोगे, इसलिए पढ़ा देता हूँ, क्यों बार बार पढ़ना पड़े, ठीक है। बीसन दास आए, बीसन दास ने बिल्कुल किंग को बड़ा बढ़ाई की और किंग के जो पोर्ट्रेट बनाने में बहुत फेमस थे। बीसन दास को भेजा गया पर्सिया, जहांगीर ने बोला तुम पर्सिया जाओ और पर्सिया के जो शाह हैं उनकी फोटो बनाओ, ये पहुंचे, इन्होंने पर्सिया के शाह की ऐसी फोटो बनाई कि शाह बड़ा खुश हुआ। तो पर्सिया ने हमें मिनिएचर पेंटिंग दी और हमने उनको पोर्ट्रेट पेंटिंग दी और शाह इतना खुश हुआ कि उसने एलिफेंट गिफ्ट में किया बीसन दास को, और बीसन दास ये हाथी लेके 7 साल में भारत पहुंचे, ठीक है, पर्सिया से। चलो नेक्स्ट शाहजहां, आदमी ठीक था, आदमी ने ताजमहल बनवाया है, इस आदमी ने लाल किला बनवाया है, तो पेंटिंग में भी काफी अच्छा काम किया। इस आदमी ने पेंटिंग में गोल्ड का यूज किया, गोल्डन कलर, ठीक है, सोने से सजावट करवाई पेंटिंग में, क्योंकि शाहजहां का टाइम मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पीक पे थी। ये आदमी आया तो उसने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दिखाया, लेकिन इंसान जैसा था वैसा ही पेंटिंग बनवाया। तो इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गार्डन की पेंटिंग बनवाई। इसके अलावा लवर्स इन इंटीमेट पोजीशन, ये दो पेंटिंग इन्होंने डेवलप करवाई थी, ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा वर्क है पातशाहनामा, ठीक है, जहां पे इन्होंने गोल्ड प्लाटिंग करवाई है। पातशाहनामा में आपको गोल्ड की प्लाटिंग दिखेगी, ये दिखाता है कि हम कितने अमीर थे, ठीक है। फिर पातशाहनामा ये नैरेट करती है अचीवमेंट ऑफ द किंग, कि किंग की क्या अचीवमेंट थी, उनके सर्वेंट्स, कोर्टियर्स, और पहली बार सर्वेंट्स को कहीं शो किया गया था पेंटिंग में, तो पातशाहनामा थी। क्लियर है? यहां पे हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली, हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली दर्शाया गया था, नौकर नौकर की तरह, दरबारी दरबार की तरह, किंग किंग की तरह, फिर गोल्डन की प्लाटिंग किंग के आसपास, लगे तो महाराजा है, ठीक है। शाहजहां के टाइम में एस्थेटिक मुगल पेंटिंग वर रिटेन्ड विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग, मेनी पेंटिंग वर प्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहजहां, इसके टाइम में बहुत सारी पेंटिंग प्रोड्यूस की गई, ठीक है, जो आज बहुत सी म्यूजियम में है। फिर बाद में आ गया अपना औरंगजेब, औरंगजेब से लोगों ने पूछा पेंटिंग क्या होती है, ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या बोला, ठीक है, औरंगजेब ने बोला कि देखो पटक के मारेंगे जितने पेंटर्स हैं, तो पहले तो जो दरबार में थे उनको सबको मरवा दिया, कुछ के हाथ कटवा दिए, जो बचे थे वो भगे, तो कुछ लोग दिल्ली से नॉर्थ में भगे तो पहाड़ी पेंटिंग आ गई, और कुछ लोग दिल्ली से साउथ में भगे तो राजस्थानी या राजपूत पेंटिंग आ गई, क्योंकि अब उनको बचाने वाला कौन था, मुगल से, राजपूत थे, तो कुछ पेंटर भागकर राजपूत क्या चले गए, तो वहां पे राजपूतों ने बोला अब हमारे लिए कुछ अलग बनाओ, तो बोले बना देते हैं, तो वहां से राजपूत पेंटिंग जन्म लेती है, ठीक है, क्लियर है, हाँ। चलो मुगल पेंटिंग देखेंगे,
एरिस्टोक्रेटिक थी, ठीक है, राजपूत पेंटिंग डेमोक्रेटिक थी, क्लियर है, मुगल पेंटिंग रियलिस्टिक थी, मटेरियलिस्टिक थी, राजपूत पेंटिंग मिस्टिक थी, स्पिरिचुअल थी, मुगल पेंटिंग सेकुलर थी, राजपूत पेंटिंग का इंटीग्रल पार्ट रिलीजन था, मुगल पेंटिंग इंपीरियल कोर्ट्स, ठीक है, को शो करती थी, राजपूत पेंटिंग फैमिलियर थीम्स पे थी, जालीदार खिड़की, वहां पे एक विमेन फीमेल पोस्चर, घूंघट, ये घूंघट उंघट का समय तभी आया, पहले घूंघट नहीं होता था, घूंघट राजपूत लेके आए, आइसोलेटेड फ्रॉम फोक आर्ट, ठीक है, ये फोक आर्ट से आइसोलेट थे, लोकल कोई आर्ट नहीं, इनमें फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, मेनी टाइम डील विद द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स सच एज हंटिंग डियर्स, हंटिंग एनिमल्स, फाइटिंग विद एनिमल्स, यहां पे रिलीजियस, एस्थेटिक, एनिमल लाइफ डिपिक्ट्स एनिमल एज अ डेटीज, एनिमल्स को भगवान की तरह बनाया गया, कहां पे, राजपूत पेंटिंग में, दीज आर सम मेजर, ठीक है, ये याद हो जाएगा, क्लियर है, चलो क्या बात है, ओहो गजब आदमी है भाई ये मनीष वैष्णव, क्या खा के आए, चलो देखो फिर भी कुछ नहीं, मुगल आर्ट में आदमी बहक जाता है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द पेंटिंग, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, चलिए आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, पीडीएफ ले लेनी है, एक रीडिंग कर लेना है, और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज करना है दीपक वन, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू सो मच, पसंद आया तो एक लाइक करके जाएंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह, ठीक है, मैं कॉम्बैट की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, मिल जाएगा, देखो किसी को ब्लॉक व्लॉक मत किया, देखो समझो, एक इंसान को करने दो, क्या करना है, बेचारा उसी में खुश है तो होने दो, ठीक है, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं अपनी हरकत करते हैं, तुम्हारा जो कर्तव्य हो तुम करो, ठीक है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, समझो मेरी बात को, सब मोह माया है, बाद में पता चलेगा जब एक एज हो जाएगी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, चलो।